या लोगों के लिए पानी इकट्ठा कर रहा है, तो उसमें उन्होंने अगर चंदा दे दिया तो अच्छा किया, लोग उसे गलत लेके चले जाते हैं। अच्छा, ये बता दें कि अभी जब हुकूमत ने आपके रास्ते बंद कर दिए और मरी में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, तो तब आपको ये जरूरत पेश आई है कि आप इस्लामाबाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये इशू हाईलाइट करें, लेकिन ये इस दफा ये पहली बार हुआ है कि ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा ट्रेजिक हो गया है, वरना हर साल ये खबरें आती हैं कि मरी में फैमिलीज को मारा पीटा जाता है। 5 साल पहले का जो वाकया आपने कोट किया है, उसके अंदर बाकायदा तौर पर औरतों के ऊपर हाथ उठाया गया था, उस पर आपने क्या एक्शन लिया था? दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का आप ये कह रहे हैं कि प्रूफ कर दें कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर वो बिल बाकायदा तौर पर चल रहे हैं जिनके 40-40, 50-50 हजार रुपए किराया लिया गया है, चार्ज किया गया है, वो उसको ट्रेस करके आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है? आप यहाँ पर आके बैठे हुए। देखिए जी, आपने कहा है कि सानिया जब हुआ है तो आपके रोड बंद हुए, तो आप नेशनल प्रेस क्लब में आके बैठे हैं, ये आर्गिज नहीं है। हम नेशनल प्रेस क्लब में इसलिए आके बैठे हैं कि एहलियान मरी और बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ जो प्रोपोगंडा चल रहा है, यहाँ से हमारी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में बेहतर जाएगी। एक तो बात ये है। दूसरी बात रही कि आपने कहा है कि वो जो बिल चल रहा है, मैं पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुका हूँ कि एक आपका विजिटिंग कार्ड ले ले और एक डमी बिल बना ले 40,000 रुपये का। जो 40,000 दे रहा है वो पक्का बिल क्यों नहीं दे रहा? आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि डमी बिल बना रहा है, तो आपने क्या उसकी कोई एफआईआर कराई, कोई पर्चा कराया कि ये तो एक बड़ा क्राइम है? तो खुद से इंक्वायरी नहीं, आपने एक्शन लिया, उसको ट्रेस आउट कर। देखिए जी, अच्छा एक मिनट के, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, एक मिनट, एक जवाब का जवाब ले लेना पूरा जवाब। देखिए जी, जो बंदा, जिस बंदे ने 40,000 दिया है, मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ कि नेशनल प्रेस क्लब के किसी चैनल या किसी मेंबर के पास वो आ जाए, मुझे निशानदेही करे कि फलां होटल में गया, जेवरात गिरवी रखे, फलां होटल में गया, 40,000 दिया, तो मैं नेशनल चैनल पे ये वादा करता हूँ। देखे जी, जिन लोगों के बिल्स सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे आके अपनी बात कह दी है कि ये बिल हमारे नहीं है, उसके बाद तो कुछ बात रहती नहीं। मेरे भाईजान का नाम क्या है? असलम खोकर साहब। लगता है असलम खोकर साहब को एहलियान मरी से बड़े शिकवे हैं, ठीक है जी। और मेरी बात, आप मुझे जवाब तो दें, मेरा जवाब सुन लें।
अगर असलम खोकर साहब ने कहा है कि मैं खुद गया हूँ तो मैं इनकी बात को ऑन करता हूँ और इनसे माजत करता हूँ, किसी ने वहाँ पे आपसे ज्यादा की, ठीक है। लेकिन 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 साथ ही ये कहता हूँ कि आप जिस दिन जुमे की शब की आप कह रहे हैं कि मैं मरी गया हूँ, मरी के अंदर, मरी की सिटी के अंदर जाके मैंने पूछा है तो वहाँ पे होटल फुल थे, मैं इस बात से डिनाई करता हूँ, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। और आपने कहा कि मरी के लोगों ने रेस्क्यू नहीं किया, एक समा को छोड़ दें, जियो को भी देखें, वहाँ पे लोग किस तरह अपने घर खोले हैं, लोगों ने, एलिया ने, मरी ने, किस तरह हमारी माएँ बहनें चाय लेके आई हैं वो भी ज़रा दिखाएं, किस तरह हमने रेस्क्यू किया है मरी के अंदर, किस तरीके से सियाओं की जान बचाते हुए एक आज से 5 साल पहले एक टूरिस्ट गाइड शहीद हुआ है, ये चीज़ें भी आप दिखाएं। इसमें एक्सक्यूज मी, वो खोकर साहब के जी देते हैं 90% वहाँ पे होटल जो है, जब वहाँ पे जाते हैं कोई पक्का बिल नहीं देता, और जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब उनसे कहा जाता है कि पक्का बिल दे तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास वो स्टेशनरी नहीं है, कोई बहाना कर देते हैं, थोड़ा सा इंसिस्ट करें तो अगले मानने पे तुल जाते हैं। देखिए जी, कोई ऐसा वाकया हुआ है, अगर आप कह रहे हैं कि मैं बिल मांगता हूँ तो नहीं देते, तो पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं रिपोर्ट की? देखे आप, ये बात मैं हरगिज़ नहीं लूंगा, पक्का बिल आपकी एफबीआर ने अलाउड किया है कि जब आप वहाँ पे जनरल सेल टैक्स उनके देंगे तो आपको वो रिटर्न होगा, आप पक्के बिल लेने चाहिए आपको। अब सानिया मरी पे भी मुझसे सवाल करें, सबसे पहले जो आपने सवाल किया है 22 इलाके नहीं, आप उनको ये कहें कि 22 शहादतें जो हुई है, चूँकि जिस तरीके से उनकी मौत वाकई हुई है तो हम उसको इलाकत नहीं लिखेंगे, हम उनको शहादत लिखेंगे। इनकी 22 शहादतों के बारे में ये पहले जवाब दिया, तो ये 22 लोग ही हैं बिल्कुल, जो यहाँ से गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर और जो उन्होंने फैक्ट एंड फिगर दिए एग्जैक्टली यही है, 22 लोग जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किए, इसके अंदर जो तादाद है वो बिल्कुल ठीक है, 22 लोगों ने जो है वो वहाँ पे जामे शहादत नोश किया है, और जो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे लोगों की अमवात हुई हैं, शहादतें हुई हैं, ये गलियात एपटाबाद रोड के ऊपर है और उसके करीब आप सारे दोस्त वहाँ पे मरी आना जाना है, यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है माशाल्लाह, आप सारे वहाँ पे आते जाते हैं, कुछ वहाँ पे हमारे लोकल दोस्त जो हैं यहाँ पे आपके प्रेस क्लब पे जो साथी हैं साफी हैं उनका तो वो इलाका भी वही है, तो उसके करीब जो है वहाँ पे ना ही कोई सिविलियन की आबादी है, कम अज़ कम 7-8 किलोमीटर के दरमियान 2 बाज़ार हैं और वो भी बाज़ार लोकल सतह के हैं, जो मगरिब के टाइम स्नोफॉल में सर्दियों में वो ऑफ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, दरमियान में कोई वहाँ पे उस रोड के करीब जो है वो ना ही सिविलियन की आबादी है और ना ही करीब कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप लोगों को क्लेम कर सकें। दूसरे मेरे एक भाई ने बात की थी, आपने हम किसी भी गलत चीज़ को बड़ी दयानतदारी के साथ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अल्लाह के फजल करम के साथ बड़ी दयानतदारी के साथ, चूँकि ये जो सानिया हुआ है इसके ऊपर हम भी रंजीदा हैं, आप भी रंजीदा हैं, पूरा पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी कौम जो है इसके ऊपर अफसरदा है, इसके ऊपर कोई सियासत नहीं है, यहाँ पे कोई जो है वो अपनी पब्लिसिटी नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सानियात के अंदर जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी आती है और उसके ऊपर जो रवैये काउंट किए जाते हैं वो भी आप ठीक कह रहे हैं, हम किसी के गलत रवैये को यहाँ पे बैठे डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन मेरी बात पूरी होने दें, अगर बात पूरी होने दें तो आप इस वक्त कह रहे हैं जी कि वहाँ पे रेस्क्यू के लिए हमें कोई वहाँ पे बंदा नजर नहीं आया, 10 से ज्यादा तंजीमें जो हैं यहाँ पे, आप मेरे साथ अभी यहाँ पे बैठ जाएं, 10 से ज्यादा तंजीमें ऐसी हैं
कि जो मेरी मैं जिन्होंने रेस्क्यू और रिलीफ के लिए काम किया है मौजूद है उसमें जमीयत उलमा इस्लाम है, पाकिस्तान अवामी तहरीक है, जमात इस्लामी है, मिनाजुल कुरान है, तहरीक लब्बैक है, पीटीआई है, मुस्लिम लीग नून है। इन लोगों ने बगैर गवर्नमेंट की मदद के, बगैर सरकार की मदद के इन्होंने बुनियादी सवाल के जवाब देते हैं सर। बुनियादी सवाल के जवाब यह है कि कल पार्लियामेंट में इस सारे मसले पर बहस हुई है, आपसे तीन बुनियादी सवाल की हमें जवाब चाहिए। जब घर में आग लगती है फौरन बुझाई जाती है, सारे पहुंचते हैं। सबसे पहला आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस वक्त वज़ीर आला ने कल परसों हफ्ते को ऐलान किया कि गेस्ट हाउसेज भी खुल गए, सरकारी हाउसेज भी खुल गए, क्या जुम्मे की शाम को ये नहीं होना चाहिए था? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि ईद गिर्द के जितने मरीजे बहुत बड़े, मैं अब नाम नहीं ले सकता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत बड़े इदारे मौजूद है, जुम्मे की शाम को उनको मूव नहीं करना चाहिए था, उनको हरकत में नहीं आना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जुम्मे की शाम एक जुम्मे की शाम को चिनोक हेलीकॉप्टर और पंजाब के हेलीकॉप्टर जुम्मे की शाम को फिजाई निगरानी पे नहीं पहुंचने चाहिए थे। शुक्रिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये फीमेल से मेरी जी सवाल नहीं सुनेंगे और जवाब तो पता नहीं आप लोग किधर इधर कर देंगे। आप लोग कहते हैं कि मेहमान आते हैं हम उनको वेलकम करते हैं, आप मुकामी लोग हैं वहाँ पे, आपको अगर ये पता चल गया था कि बर्फबारी ज्यादा हो रही है तो आप लोगों को ये नहीं चीज चाहिए थी कि इंतजामिया को, आप तो पहले भी उनको डीजल डलवा देते थे, इस बार भी आप ये इंतजाम कर लेते। मकामी लोगों का काम था कि जब उन्हें पता है कि एक्सेसिव हो रही है आप लोग निकल जाते, लोगों को तो देखते, चाहे 10 किलोमीटर था 20 किलोमीटर था, लेटर आता है, नोटिफिकेशन आता, लोग जाते बचाने, उससे पहले तो आप लोग मकामी थे, आप तो वेलकम करते हैं मेहमानों को तो बचा भी लेते ना। आप लोग ये नहीं कह सकते कि आप लोग जिम्मेदार नहीं है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। अच्छा, मैंने पिंडी से बैठ के, मैं पिंडी में रहती हूं, इधर बीच वन साइड पे, वहाँ से चीफ सेक्रेटरी, सर सुने, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मैंने कॉल की, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मैंने कॉल की, उनके प्रोटोकॉल अफसर हैं अब्दुल्ला, उनसे बात हुई, मैंने उनसे कहा कि यहाँ से हमें पिंडी इंतजामिया को जो हेल्प चाहिए, वी आर रेडी टू गिव देम फुल हेल्प। अच्छा सुन ले, हुआ ये कि मुझे पिंडी से एसी की मेरे नंबर पर कॉल आई, मैंने खुद जाती तौर पर अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से एक फूड का बहुत बड़ा एक पूरा, यानी कि आप सुनिए, खेप मैंने पिंडी डीसी ऑफिस में पहुंचाई, मैं खुद, मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं। उसके बाद मैंने उनसे कहा जी कि हम वहाँ यहाँ 15-20 लोग मरी जाना चाह रहे हैं रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए, ये सब ये सुन मेरे भाई बैठे हुए एंड पे इम्तियाज अलवी साहब, ये मिनहाज वेलफेयर सोसाइटी के मरी के हेड है, ये अपनी फैमिली समेत ये मरी में